वो एक फिल्म का बड़ा अच्छा डायलॉग है कि हम शरीफ क्या हो गए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई है। तो ऐसे ही कुछ कल ईरान ने किया कि ईरान की इतनी जरूरत हो गई कि कल उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और ये पहली मर्तबा है कि ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला किया, डिस्पाइट कि हमारा कोई उससे लफड़ा नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। इवन इंडिया, जिससे हमेशा हमारा टाकरा रहता है, उसने कभी इतनी जरूरत नहीं की कि वो पाकिस्तान के मिलिटेंट बेसिस पर मिसाइल से हमला करे। लेकिन पाकिस्तान पर उसका हमला करना आज हर पाकिस्तानी के लिए एक मौजू गुफ्तगु बना हुआ है, और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर ईरान इस तरह कैसे कर सकता है। इस बात की तस्दीक दो इंटरनेशनल मीडिया चैनल रॉयटर्स और एपी न्यूज ने की है, जो कि दुनिया के बेहतरीन चैनल में से एक है। उन्होंने इस खबर को लीक किया 11:58 कल मौरखा 17 तारीख को। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईरान ने सेम डे में इराक पर मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला करके उसको तबाह कर दिया। बात समझ में आती है। और अगर मैं पास हिस्ट्री की बात करता हूं तो ईरान इससे पहले मिस्र पर भी हमला कर चुका है, शाम पर भी हमला कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान पर हमला करना, मतलब पाकिस्तान जो कि हमारी फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है और इंटेलिजेंस में उसका कोई सानी नहीं है, ऐसे में उसका हमारे सरजमीन पर हमला करना एक क्वेश्चन मार्क है हर पाकिस्तानी के लिए। जो कोई भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान का खैर खा है, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए सवाल जन्म लेता है कि क्यों ईरान ने इतना बेवकूफाना और बुजदलाना इकदाम किया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, एक ने मिड ऑफ पे शॉट मारा, एक ने मिड ऑन पे शॉट मारा, एक ने लेग साइड पर, एक ने थर्ड मैन पे कोई रन बनाया और देन अचानक एक बॉल आई और एक मिसाइल आया और पाकिस्तान की सरजमीन पर वो गिर गया। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, और खास तौर पर उस वक्त जब ईरान ने इस पूरी एक्टिविटी को अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर इसको लाइव नशर किया है और फिर उसके बाद उसको वहां से रिमूव कर दिया। ईरान को हमेशा हमसे ये शिकायत रही है कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से हमेशा उसके मुल्क में कोई ना कोई दहशतगर्दी की अलामत मिलती है। लेकिन ईरान को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि कुलभूषण जाधव, जो कि एक स्पाई था, जो कि हमारे इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ा, वो भी ईरान के जरिए पाकिस्तान आ रहा था जब उसको गिरफ्तार किया गया। तो ठीक है, ये तो मेरे जज्बात हैं जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ, खुद एक गुस्से में, और मैं खुद परेशान हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ईरान की इतनी जरूरत। बार बार मेरे जहन में यही सवाल आ रहा है, यही सवाल आ रहा है कि कैसे ईरान पाकिस्तान के मिलिटेंट बेसिस के ऊपर हमला कर सकता है, जहां पर 2 बच्चे शहीद होने की खबर है, जो कि अफसोसनाक है। और ऑफ कोर्स जब भी इस किस्म के हमले होते हैं तो जानी और माली नुकसान होते हैं, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये स्टिल सवाल है जो कि कई लोगों के जहन में घूम रहा है। और कई लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको रेक्टिफाई किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये अच्छा साइन नहीं। देखिए, जंग किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी खत्ते के लिए अच्छी नहीं होती, और जरूरी है कि इसको परमानेंटली हल किया जाए। बहुत सारे सवाल हैं जो कि जन्म ले रहे हैं, हमारे जन्म में भी जन्म ले रहे हैं, तो देखें आगे क्या होता है। तो मुझसे जुड़े रहिए, और कोई भी अगर नई खबर होती है तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।